अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की रेसिपी है चिकन चकई अमेरिकन। अमेरिकन स्टाइल में इसको चिकन में बनाएंगे। इसमें वैसे बीफ और प्रॉन भी यूज़ होते हैं, लेकिन सिंपली लोग कुछ लोग फॉलो नहीं करते, इसलिए इस रेसिपी को प्रिपेयर कर रहे हैं सिंपली चिकन में। तो जूलियन कैबेज होगी, जूलियन कैरेट होगी, जूलियन चिकन होगा, और ये बड़ी यम्मी सी रेसिपी होती है, फुल न्यूट्रिशन है। इसमें चिकन को जूलियन कटिंग कर ली है, इसको मैरिनेट कर देते हैं। पिंच ऑफ साल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें कुकिंग ऑयल है। ये 100 ग्राम चिकन है। मैरिनेशन के बाद इसको छोड़ देंगे आधे घंटे मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हमने चिकन जो मैरिनेट करके रखा था कम से कम आधा घंटा रखना है, और ओवर नाइट हो तो और अच्छा है, ज़्यादा टेस्टी और टेंडर होगा। वो चिकन इसमें ऐड कर देना है। चिकन फौरन कुक हो जाता है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए इसको। ये कटिंग है और मैरिनेशन चीज़ है, ये इसकी है कटिंग में। कटिंग की रेसिपी भी चैनल पे है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अच्छी तरह आयल में हम कुक कर लेते हैं। जैसे आप तकरीबन कुक होना शुरू हो चुका है, और इसके पीसेस अलग अलग कर लेने हैं। ये 5 जूलियन है, इसमें जूलियन कट किया हुआ प्याज ऐड कर देना है, वो भी इसके साथ ऐसे कर देना है। सब्जी का हम चिकन कट की थी वो इसमें ऐड कर दिए, तो सारा रूमा मिल के अच्छा फ्लेवर बनता है। चिकन कैबेज और कैरेट जो हमने कट करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा उसको सोते कर देंगे। ये 3 सर्विंग है। नॉर्मली ये 3 लोग इजीली इसको अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, और 100 ग्राम इसमें चिकन है, 1 मीडियम कैबेज हाफ ली थी वो चिकन काट कर ली थी, और मीडियम कैरेट ही हाफ उसको दिन हाफ कप इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर दिया है। थोड़ा ये हमारे वेजों को साफ करेगा, और ग्रेवी भी इसे तैयार होगी। कच्चे में ग्रेवी होती है। हाफ कप इसमें टमाटो कचाप ऐड कीजिए, कोई भी जिस अच्छे कलर की जो ब्रांडेड कचाप है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 1 टीस्पून इसमें डार्क सोया सॉस ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून इसमें विनेगर ऐड किया है, 3 टेबलस्पून आपने शुगर ऐड करनी है, या आपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप मीठा पसंद करते हैं। 1 टीस्पून इसमें साल्ट है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, चिलियन कट करके टमाटर से वो ऐड कर दिए। अब इन चीज़ों को
1 से 2 मिनट, आपकी हीट पे डिपेंड करता है। एक घर के जो चूल्हे में है उसमें आप 2 मिनट इसको मजीद कुक कर लें। 2 मिनट कुक होने के बाद आप देख लें कलर में थोड़ी चेंजिंग आ चुकी है। और अब इसमें 1 टेबल स्पून 500 को पानी में हल करके वो डाल देना है। रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, अपनी सर्विंग के काबिल है। और सर्विंग टाइम पे नूडल को फ्राई कर लेना है। नूडल की रेसिपी पहले से है और मैं एक और भी अपलोड कर दूंगा 5 से 6 नूडल के बराबर। और फ्राइड नूडल के ऊपर आपने इसको सर्विंग टाइम पे डालना है, जब आपको सर्व करने का टाइम हो उसी वक्त डालना है, ताकि आपके नूडल क्रिस्पी हैं और वो जब आप इसकी बाइट लें तो आपको उसके क्रिस्पी पर महसूस हो नूडल का। ये आप ये सोचते हैं कि स्वीट एंड सार टाइप की इसकी ग्रेवी होती है, और फिर वेजिटेबल और फ्राइड नूडल मिला के बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है। आपको और आपके मेहमानों को इंशाल्लाह ये पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और दूसरी भी चैनल पर बहुत सारी रेसिपी दें, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। व्यूअर्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए करें।